जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ड्यूटीज ऑफ लेसर एंड राइट्स ऑफ लेसर। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं आप सभी से मिलने के लिए। बहुत ही प्यारे से गेस्ट हैं, मैं आपको बता दूं। और मेरे बगल में भी वो बैठ करके मुझे चेक कर रहे हैं कि मैं ठीक तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। इनके बहुत सारे नाम है पर मैं इनको टीडू के नाम से बुलाता हूँ। और ये इतने प्यारे, इनको टच करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इनको धीरे से ऐसे स्लाइड करते हो ना तो देखो ये बहुत प्यारा फील करते हैं। और ये पूरे टाइम बैठ करके हमारे साथ में, हमारी स्टूडियो में हमारे साथ में रिकॉर्डिंग देखते हैं, सारी चीजों को मैनेज करते हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे MD है फिलहाल में। और ये इतने प्यारे हैं कि आप आईज देखोगे ना, देखो कितना डरते हैं। अभी ये मेरे से डरते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम तेज बोलते हैं क्लास में, तो ये चीजों को थोड़ा सा ठीक नहीं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे। पर ये इतने प्यारे हैं, मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा टाइम यहाँ बैठे रहते हैं क्योंकि मैं आपको इन लोगों से मिलवाता हूँ। ये जो है ना, ये बहुत प्यारे से, आप इनको ध्यान से देखिए, देखिए इनकी आईज का कलर देखिए कितना प्यारा सा रेड कलर का है। और ये पूरा टाइम बैठ करके हमारी क्लासेस को देखते हैं। आप बच्चों के लिए जो कंटेंट हम शूट करते हैं वो ठीक तरीके से है कि नहीं, इस चीज को ये देखते हैं, ठीक है। और ये एक एनिमल का बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आता है, ये तो मैं आप सभी से पहले भी बोल चुका हूँ। जब कभी भी हम लोग स्टूडियो में रहते हैं, हम लोगों को लगता है लाइक थोड़ा सा हम लोग बोर फील करते हैं चीजों पे, तो उस समय जो हम लोग होते हैं एक व्हाइट कलर और एक एनिमल, कोई भी एनिमल हो, एनिमल लव हम सबके अंदर होता है, बस उसको दिखाना होता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग जरा सा भी बोर फील करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनको देखते हैं। और ये बैठ करके पूरा टाइम हम लोग का एंजॉयमेंट करते हैं। और एनिमल कैसा भी हो, चाहे डॉग हो, चाहे रैबिट हो, चाहे जो भी हो, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी जाता है। तो आप सभी को भी एनिमल लव करना चाहिए। जो भी आपके पास एनिमल है, स्ट्रे डॉग्स या कोई भी है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपको उसको फीड करना चाहिए। और इनका नाम टीटू है, ये पूरा टाइम हमारे स्टूडियो में इधर से उधर घूमते रहते हैं। आज इनकी एक शरारत ये हुई कि इन्होंने हमारा माइक ही काट दिया, ठीक है। इसलिए जो आपकी ऑडियो की क्वालिटी जो थोड़ी सी खराब है, इनकी गलती है। तो आप लोग इनको कमेंट्स में जो कहना चाहते हो कह सकते हो, ठीक है। इनकी गलती की वजह से ये सब चीजें हुई हैं, तो मैं इनको इनके प्रॉपर प्लेस पर रख देता हूँ, ठीक है, ताकि अपना मतलब स्टूडियो के काम को अच्छे तरीके से देख सके। और ये पूरा टाइम यहीं पे बैठ करके हमारी क्लासेस को देखते रहते हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ड्यूटीज ऑफ लेसर को। तो इससे पहले आप लोगों ने देखा था ना कि एसेंशियल्स ऑफ लीज क्या होता है, और बेसिकली लीज के बाद में हम लोगों को देखा था कि एसेंशियल्स होते क्या है लीज के, मतलब कि किन किन चीजों के बारे में हमें ध्यान देना पड़ता है लीज में। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ड्यूटीज ऑफ लेसर, यानी जो लीज हम लोगों को देने वाला व्यक्ति होता है, जो हमारे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला पर्सन होता है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है। तो पहली ड्यूटी